नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने पर 31 दिसंबर को पीएम मोदी कर सकते हैं देश को संबोधित। सूत्रों के हवाले से खबर, पीएम गिनाएंगे नोटबंदी से हुए फायदे, साथ ही कर सकते हैं कुछ बड़े ऐलान। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गिनाए नोटबंदी के फायदे, कहा देश के राजस्व में हुई बढ़ोतरी, अर्थव्यवस्था को नहीं हुआ कोई नुकसान, तो वहीं बैंकों के कर्ज देने की क्षमता बढ़ी। कांग्रेस के वार पर बीजेपी का पलटवार, कहा समर्थकों पर हो रही कार्रवाई से तिलमिलाई कांग्रेस, लगा रही है अनाप शनाप आरोप। कांग्रेस ने कालाधन घोषित करने वाले गुजरात के कारोबारी महेश शाह को बताया था पीएम मोदी और अमित शाह का करीबी। तमिलनाडु के दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की मौत पर मद्रास हाईकोर्ट ने उठाए सवाल, कहा जयललिता का मौत का सच आए सामने, पार्टी कार्यकर्ता पीए जोसेफ ने दायर की थी याचिका। अफगानिस्तान के कुंदूज शहर में सिखों के प्रमुख लाला डेल सोयुज की गोली मारकर हत्या, अल्पसंख्यक सिखों और हिंदुओं में दहशत का माहौल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी राफिन्हा ने रोनाल्डो की तुलना में लियोनेल मेसी को बताया बेहतर फुटबॉलर, कहा बैलेंटी खिताब भले ही रोनाल्डो ने जीता हो लेकिन मेसी है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए टीवी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।